आप मुझे ये बताएं कि अलील क्या होते हैं। सर आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ रही है यार। बच्चे मेरे बेस प्लेयर्स होते हैं है? अलील क्या होता है सर? आप हैंड्स फ्री यूज सर बेस प्लेयर्स होते हैं अलील्स। यार बच्चे मैं स्टेमिना हैंड फ्री के पहले तो मैंने कभी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बातें कही यार। ये कहते हैं आवाज सही आती है अक्सर जीन होता है उसके टू पेयर्स होते हैं मतलब एक पेयर होता है उनको एलील्स कहते हैं। फर्ज का ये क्रोमोसोम है ना, फर्ज का ये क्रोमोसोम है, आपको बड़ा ए ये छोटा ए नजर आ रहा है ठीक है। ये पता ना कि क्रोमोसोम होता है कि उसका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ठीक है। जो एक क्रोमोसोम है उसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो दोनों एक दूसरे के लिए अलील होते हैं ठीक हो गए। ये समझ आ गई आपको? यस जी। अच्छा अब ये देखिए, ये देखिए अब ये जो है ना, अगर हमारे कई क्रोमोसोम है फर्ज किया हम क्रोमोस टोमेटो क्रोमोसोम लिखे थे अब ये देखे बच्चे, अब ये एक जीन है, ये देखिए ये वाला जीन, अब यहां ये आपको नजर आ रही है क्रोमोसोम की, ये डिफरेंट क्रोमोसोम है किसके हैं? टोमेटो के। अब इसके अंदर ये जीन है, इसकी एक कॉपी इस क्रोमोसोम पे है, एक कॉपी इस क्रोमोसोम पे है, एक कॉपी इस क्रोमोसोम पे है ठीक है। ये सारे सेम जीन है लेकिन उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स है जीन्स की ठीक है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। यहां तक मेरी बात समझ आई है आपको? Yes, sir. अच्छा अब ये जो जीन है ये एक्चुअली ये सेम जीन है सारे, ये सारे सेम जीन है, ये डिफरेंट जीन नहीं है। ये एक्टर है, ये मायोसिन है, ये पॉलीमरेज है। अगर ये एक्टर है तो ये भी जैसा ये कैरेटिन का जीन है, ये भी कैरेटिन का जीन है, ये भी कैरेटिन के जीन है, ये भी कैरेटिन के जीन है, ये सारे कैरेटिन के जीन है। अब एक जीन जो उससे मिलते जुलता कोई और जीन हो, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर हो, उसे कहते हैं पैरालॉग। क्या कहते हैं? पैरालॉग, ऑर्थोलॉग एंड पैरालॉग्स। मैं एक्चुअली थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब ये देखिए, ये बड़ी अच्छी वो एक फिगर इधर दी हुई है, ये वाली चेक करें। ये देखे ये है पैरा ये है माउस, किसे कहते हैं? चूहे को। एक अल्फा नाम का एक जीन है चूहे को, चूहे के अंदर है ठीक है, और उसका और ये भी चूहा है माउस ठीक है। लेकिन अगर अल्फा नाम का जीन, ये अल्फा और बीटा एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म है, ये क्या है? सब्जेक्ट जो दोनों सेम जीन है, अल्फा और बीटा क्या है? ये सेम जीन है ठीक है। अब अल्फा जीन सेम जीन है, अल्फा जो जीन है वो चिक के अंदर भी है, वो फ्रॉग के अंदर भी है, ये तीनों जीन है अल्फा अल्फा अल्फा। अगर अल्फा जीन, अगर एक जीन है जो चिक के अंदर भी है फ्रॉग के अंदर भी है, तो उसे लेकर उसे हम कहेंगे ऑर्थोलॉग। अगर एक ही तरह का जीन डिफरेंट क्रोम ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोलॉग ठीक है। और अगर एक जीन
जो है वो उसी तरह का मिलता जुलता उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और जीन है। इस तरह ये दोनों जीन्स किसके अंदर है, चूहों के अंदर। तो ये दोनों जीन्स आपस में क्या होंगे, ये जो यहां पर बताया हुआ है, ये जो सारे जीन्स हैं ये आपस में पैरालॉग्स हैं। क्या है, विद इन द सेम स्पीशीज वो होंगे पैरालॉग्स। अगर ये जीन इसी तरह का जीन, अगर चिल्ली, ये तो टोमेटो का है ना, अगर इसी तरह का जीन एक टोमेटो के अंदर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉग। क्या कहेंगे, पैरालॉग। नहीं, अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर तो फिर वो होगा ऑर्थोलॉग, ठीक है। अगर सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर है फिर वो होगा पैरालॉग। इसी तरह जब आपने बात की के कैरेटन है, डिफरेंट जीन्स है कैरेटन के ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर, वो जितने क्रोमोसोम विद इन द सेम ह्यूमन जीनोम जितने भी जीन्स है वो सारे जीन्स आपस में क्या होंगे, पैरालॉग्स। पैरालॉग। अब हमने ये काम करना है, हमने ये काम ये करना है, इस रिसर्च के दौरान हमने एक जीन लेना है फर्ज किया, और वो चेक करना है कि उसके ऑर्थोलॉग कुकंबर के अंदर कितने हैं। फर्ज किया एक जीन हमने करेक्टराइज किया हुआ है, ये देखिए, फर्ज किया एक जीन है ये वाला बी जिप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक जीन है बी जिप, उसका नाम क्या है, बी जिप। अगर हमने ये कुकंबर के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हमने ये बी जिप चिल्ली के अंदर नहीं है, फर्ज किया करेक्टराइज हुआ हुआ, ठीक है, तो हम करेंगे, वो मेरी बात की समझ आई है, वो क्या करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो रिसर्च के थ्रू कि ये जो जीन है ये कुकंबर के अंदर ये काम करता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट जीन इन अदर स्पीशीज लाइक इन कैप्सिकम, लाइक इन चिल्ली और प्लांट, ठीक है। और फिर चिल्ली के अंदर उसके पैरालॉग्स कितने हैं ये भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे कि चिल्ली के अंदर उसके पैरालॉग्स कितने हैं, कितनी बात पैरालॉग्स कितने हैं, ठीक है, चिल्ली के अंदर उसके पैरालॉग्स कितने हैं। ये सारी कहानी हम मालूम करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, इसके थ्रू। मेरी बात की समझ आई आपको? अच्छा, जब हम जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी प्लांट के अंदर, फिर ये देखेंगे उसके कितने पैरालॉग्स हैं, फिर वो जो फर्ज किया हमें पता चला कि कुकंबर के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है जो कि उसके अंदर उसके 20 पैरालॉग्स है, इट बी 20 जीन्स है। एक अगर एक जीन जो होता है और उसके जितने मेंबर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम वो जीन फैमिली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उन तमाम मेंबर्स को, जिस तरह एक घर के अंदर 10 अफराद है, जीन फैमिली, वो एक फैमिली है। सिमिलरली एक जीन है जो कुकंबर के अंदर है, उसके 10 मेंबर है उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे वो जीन फैमिली, उसको हम क्या कहेंगे, बीजेप जीन फैमिली, या कोई भी ETR जीन फैमिली है, ERF जीन फैमिली है, एक्टिन जीन फैमिली है, एनीथिंग, कोई भी जीन जो है उसके जितने मेंबर्स हैं हम उन तमाम मेंबर्स को कलेक्टिवली कहेंगे दिस जीन फैमिली इन कुकंबर। बल्कि कुकंबर एक गांव है, गांव के अंदर 10 शेख है, या उसकी वो फैमिली क्या है, तो इस तरह हम कहेंगे कि एक फैमिली है, उसके अंदर 10 जीन है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? यस सर, यस सर, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि एक स्पेसिफिक जो क्रॉप है उसके अंदर, अच्छा, लेकिन किसकी तलाश करेंगे, जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह के इस एनालिसिस को, किसी जीन के पूरे फैमिली मेंबर्स का एनालिसिस करना किसी स्पेसिफिक क्रॉप के अंदर, इसे कहते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस। इसे क्या कहते हैं, जीनोम, जीनोम वाइड एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, जीनोम वाइड एनालिसिस हम करते क्या है कि एक जीन लेते हैं, उसके सारे फैमिली मेंबर तलाश करते हैं,
एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है। दूसरी बात यह है कि जीनोम वाइड एनालिसिस सिर्फ उन क्रॉप्स के अंदर हो सकता है जिनका पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ हो, सीक्वेंस हुआ हो, जिस तरह ह्यूमन का हुआ हुआ है, टोमेटो का हुआ है, कुकम्बर का हुआ है, चिल्ली का हुआ है, वीट का हुआ है, कॉटन का हो गया है, मेज का, सॉर्गम का, इन तमाम प्लांट्स का हो गया है। लेकिन जिन प्लांट का नहीं हुआ उनके अंदर हम जीनोम वाइड एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि उनका अभी तक हमें हमारे पास टोटल जीनोम अवेलेबल ही नहीं है। यहां तक कहानी समझ आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हमें पता है कि टोमेटो के अंदर कितने 12 क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन कौन सी सीक्वेंस है और उसका सीक्वेंस हमने करवा के इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फाइटोसोम, ये एक वेबसाइट है फाइटोसोम जिसके अंदर तक ये देखो ये सारी स्पीशीज है जिनका जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है, ये देखे ये सब का, ये सारे उनके नाम दिए हुए। अब इन स्पीशीज में से के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, हेलियंथस एनस है, गोसिपियम जिसे कॉटन कहते हैं, रैबिडोप्सिस है, फिर आगे कुकुमस सेटिवस कुकुम्बर है, डॉकस कैरेटा कैरेट है, दीज आर ऑल द डिफरेंट स्पीशीज वेयर होल जीनोम सीक्वेंस हैज बीन डन एंड वी विल डू द जीनोम वाइड एनालिसिस इन दीज प्लांट्स। यहां तक समझ आई? अच्छा, अगर किसी ने ऑलरेडी किसी एक जीन के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज के ऊपर काम कर लिया है, वो नहीं काम करेंगे, वो नहीं, हम रिपीट नहीं करेंगे, हम एक नई स्पीशीज लेकर, नया जीन लेके जो उस फैमिली, उस प्लांट के अंदर जिसका जीनोम वाइड एनालिसिस नहीं हुआ उसके ऊपर काम करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग कितने बंदे हैं आप लोग? लारा हर मैं ना दो दो बंदों को ना या तीन तीन बंदों को एक जीन के बारे में दूंगा, एक क्रॉप दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों ने फिलहाल दो दो बंदों को एक एक जीन और एक एक क्रॉप दे देते हैं, एक क्रॉप दो बंदों को, एक जीन क्रॉप कॉम्बिनेशन ना, ताकि आप लोग फिर मिलके काम कर ले, ताकि हमारी काफी पब्लिकेशन आ जाए। मेरी बात की समझ आई है आप लोगों को? नहीं लगी? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब नो सर, नहीं समझ आए। सबसे पहले तो अब हम ये तलाश करेंगे कि हमने किस जीन पे काम करना है। अच्छा, अब जीन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जीन क्या होते हैं, जीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है, ये आपको अंदाजा है चीजों का? यस सर। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं सर? जो डीएनए का सीक्वेंस कॉपी करके मैसेंजर आरएनए को बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बना कहते हैं। अच्छा, मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? सर, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। एग्जैक्टली, इस पूरे प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हमें मालूम करना हो कि कोई जीन एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं, मैंने कहा ना 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर, 30,000 जीन्स है। अब उसमें से कुछ जीन्स आईज के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, कुछ ईयर्स के अंदर, कुछ नोज के अंदर, कुछ थ्रोट के अंदर। अब उनमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन कहां एक्सप्रेस हुआ है? हम दोबारा बताना सर, पुनेट स्केयर से जिस तरह हम सर मेंडलीव टेबल पढ़ते होते थे सर, उसके अंदर में पता चलता था कहां पे जीन एक्सप्रेस हुआ कहां पे नहीं हुआ। लेकिन जीन सर फंक्शन के ऊपर स्पेसिफिक, उसने बताया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ये जीन एक्सप्रेशन है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ये भी जीन एक्सप्रेशन है। इट मींस दैट अगर कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होता
फर्ज कर रूट के अंदर एक जीन एक्सप्रेस नहीं होता, तो वहां उसको मैसेंजर आरएनए बनेगा? नो सर, नो सर, नहीं बनेगा। दैट्स एग्जैक्टली, भी अगर कोई जीन रूट के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता तो वहां पर उसका जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ। अगर अब हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी जीन को आइडेंटिफाई करना ना, फिर क्या हमें लीफ के अंदर चेक करना है कि कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हुए हैं, हम उसका लीफ का मैसेंजर आरएनए का एनालिसिस करेंगे। जो जो मैसेंजर आरएनए जिस जिस जीन का हमें वहां मिलेगा, तो हम कहेंगे कि इस जगह ये जीन एक्सप्रेस होते हैं, ये जीन एक्सप्रेस नहीं होते। पहली बात नहीं होते, ठीक है। कुछ जीन हो तब एक्सप्रेस होते हैं, जब कोई स्टिमुलस आए बाहर से, अदरवाइज वो जीन एक्सप्रेस नहीं होते। फर्ज किया हमने अपनी फौज बॉर्डर पे लगाई हुई है, तो ये गोलियां कब चलाएगी? जब कोई आएगा सर, इट मीन हमारी फौजन आएगा, करेगी अपने आप को जब कोई दुश्मन हमला करेगा, ठीक है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर के बंदे कहां पे काम करेंगे, फिर क्या अगर एक किसी ने अपने प्लांट की अलॉटमेंट करानी है एलडीए, और एलडीए में कोई बंदा गया ही नहीं है अपनी अलॉटमेंट करवाने, तो यार वो बंदे काम नहीं करेंगे। वो काम नहीं करेंगे। कोई बाहर से कोई बंदा जाएगा, कहेंगे भी हमने कोई अलॉटमेंट करवा दी है, तो वो अपना प्रेजेंस शो कराएंगे, काम करेंगे, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली कुछ ऐसे जीन्स होते हैं प्लांट के अंदर जो नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होते, लेकिन जब कोई बाहर से स्टिमुलस आता है तो तब एक्सप्रेस होते हैं। इसी तरह लीफ के अंदर भी है कि लीफ के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो उस वक्त एक्सप्रेस होते हैं जब बाहर से कोई स्टिमुलस आती है। ये मेरी कहानी समझ आई? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ठीक हो गया है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, उस जीन एक्सप्रेशन में प्रोटीन्स नहीं बनी है, तो क्या वो जीन एक्सप्रेशन ठीक होगा? It's a very good question. Normally, जब हम मैसेंजर आरएनए से normally बन जाती है प्रोटीन, normally हम सबसे पहले इसलिए हम मैसेंजर आरएनए के अंदर से सबसे पहले करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हो, हमारे पास बजट ज्यादा हो, हमारे पास बहुत पैसे हो, तो फिर हम प्रोटीन का भी एनालिसिस करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्योंकि इतना ज्यादा बजट नहीं होता, लेकिन आजकल जो बड़ी साइंस है वो इवन प्रोटीन के बाद के भी एनालिसिस करती है। फर्ज के एक प्रोटीन है, वो बाद में क्या बन जाती है? एंजाइम। जब एंजाइम बनती है तो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करती है, तो उसके बाद कई केमिकल प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर। इवन द पीपल दे आर आइडेंटिफाइंग दोस केमिकल एज वेल, इसे मेटाबोलोमिक्स कहते हैं, इसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और इसकी स्टडी को मेटाबोलाइट्स की स्टडी को कहते हैं मेटाबोलोमिक्स। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, और प्रोटीन की स्टडी को कहते हैं प्रोटियोमिक्स, और मैसेंजर आरएनए की स्टडी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। क्या कहते हैं? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, इसलिए मैसेंजर आरएनए की स्टडी को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। और डीएनए की स्टडी को कहते हैं जीनोमिक्स। अब आप समझ आई बातों की? सर डीएनए को क्या कहते हैं, रिपीट कीजिएगा। जीनोमिक्स। ओके सर। जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, ये चार डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि एक लीफ जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्रेस हो रही है। मेरी बात की समझ आई है आपको? अच्छा यस सर। अगर हम लीफ के ऊपर एक नॉर्मल लीफ रखें, एक प्लांट को नॉर्मल ग्रो करें, एक प्लांट दूसरा एक और प्लांट ले और उसके ऊपर कोई वायरस का अटैक करवा दें या पैथोजन का कोई अटैक करवा दें, तो दोनों के लीफ के अंदर जीन एक्सप्रेस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे?
डिफरेंट होंगे एग्जैक्टली जो जो कंट्रोल प्लांट है उसके अंदर डिफेंस रिलेटेड जीन्स एक्टिवेट नहीं हुए होंगे, आर्मी उसकी एक्टिवेट नहीं होगी, लेकिन जिसके अंदर पैथोजन का अटैक करवाया है तो उसके अंदर वो जीन एक्टिवेट होंगे जो डिफेंस रिलेटेड है। वो कौन से है? जो पैथोजन के अटैक से बचाएंगे। ये बात समझ आई आपको? ओके, अब हमने सबसे पहला जो काम करना है ना, अब हमने ये तलाश करने हैं कि डिफेंस रिलेटेड जीन्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है? फिर हम पहले ये चेक करेंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे चेक? जो ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए पेपर उसमें से तलाश करेंगे। फिर ये हमने जो कंबर की डिजीज रेजिस्टेंस पे काम करना है, हमने इसको पैथोजन के अगेंस्ट पहले से एक्टिवेट करना है कि जब भी पैथोजन अटैक आए तो प्लांट के अंदर पहले से ऐसे जीन्स हो जो प्लांट को पैथोजन से बचा ले, ठीक है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन से जीन्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं। जाहिर है डेफिनेटली वो जीन्स कुकंबर के अंदर भी होंगे, लेकिन अभी कैरेक्टराइज नहीं हुए। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? यस सर। सर ये पॉइंट दोबारा फिर से रिपीट कर देंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि कई ऐसे डिफेंस रिलेटेड जीन्स हैं जो फर्ज किया कॉटन के अंदर, अरेबिडोप्सिस के अंदर लोगों ने आइडेंटिफाई की है, ठीक है? अब हमने जीनोम तो सीक्वेंस कर लिया, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर फर्ज किया एक जीन है जिसे LPR1 कहते हैं, वो अरेबिडोप्सिस के अंदर उसके कोई 6 पैरालॉग्स है, पैरालॉग्स जिसे कहते हैं 6 फैमिली मेंबर है उसके, ठीक है? और वो जीन ऐसा है जो अरेबिडोप्सिस को बैक्टीरियल पैथोजन से बचाता है, ठीक है? लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके, और हमें पता चला कि कुकंबर के ऊपर भी उनको बैक्टीरिया डिजीज आती है, ठीक है? अब हम चेक करेंगे कि बैक्टीरिया इस तरह के जीन्स कुकंबर के अंदर कितने हैं। अच्छा, मेरी बात की समझ आई? नहीं लगी समझ? यस सर। फिर हम उस जीन को जो कुकंबर के अंदर 4 है उसी तरह के मिलते जुलते जीन्स, फिर अब हम चेक करेंगे कि ये जो कुकंबर का जीन है इसको किस तरह की एनवायरमेंट दी जाए तो ये ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। नहीं लगी समझ? सर उन जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए उसके पहले वाले होगा। क्या कह रहे हो? बट सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जीन्स हमने वो देखना है उसको एनवायरनमेंट कैसे चाहिए, तो उस जीन को एक्सप्रेस करने के बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए स्टिमुलस कौन सा रिक्वायर है। एग्जैक्टली वो भी सारी कहानी हम इसमें स्टडी करेंगे। स्टिमुलस भी डिफरेंट दे के देखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें पता हो कि जीन्स है कितने, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जीन्स है कितने, बाद में हम उसको स्टिमुलस देके उसको चेक करेंगे। तो अभी ये जीनोम वाइड एनालिसिस है, हम यही कर रहे हैं कि इसके अंदर एक जीन लेंगे, उसके तमाम फैमिली मेंबर एक क्रॉप के अंदर या कुकंबर के अंदर हम पहले तलाश करेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उस जीन की स्ट्रक्चर कैसी है, उस जीन का जब मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी सीक्वेंस कैसी होती है, जब उसकी प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिर वो जीन कहां कहां एक्सप्रेस होता है, क्या रूट के अंदर एक्सप्रेस होता है, शूट के अंदर एक्सप्रेस होता है, लीफ के अंदर, या एक तो ये, फिर हम देखेंगे कि ये जो जीन है इसको कंट्रोल कौन कौन कर रहा है, ये सारी उस जीन को हम कैसे तलाश करेंगे। ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ना डेटाबेसेस बने हुए हैं, वहां से हम अपना जीन पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे जीन, फिर उस जीन आईडी को उस तमाम जो डेटाबेसेस हैं उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, वहां से हम अपने जीन की इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे, फिर उसको हम समराइज करके पेपर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? और फिर हम एक तो ये हो जाए, एक फिर कुछ प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि हम उन
प्लांट के ऊपर अटैक करवाएं डिफरेंट स्ट्रेसेस को, फिर उसके जीन को स्टडी करें। ये भी काम तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने वो काम लेट करेंगे। फिलहाल हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ दैट जीन इन प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक स्पीशीज, फिर उसकी जीन की स्ट्रक्चर क्या है, वो उसके मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी है, उसके मैसेंजर आरएनए का वेट कितना है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, फिर उसकी प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी डोमेन्स कौन कौन सी है, उनके अंदर मोटिव कौन कौन से हैं, फिर हम चेक करेंगे कि उसका जो वो अच्छा वो जीन कब एक्सप्रेस होता है, वो भी एक डेटाबेस है, क्योंकि जब सीक्वेंस होके आ जाएगी तो हमें पता है। अभी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जीन के जब अभी यहां तक आपको तो कंफ्यूजन है? नो सर। इसे कहते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस, इसे कहते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस। सर क्वेश्चन था आपसे। जी जी क्वेश्चन पूछे। जो क्यूकम्बर की वैरायटीज हैं उन सब के अंदर जो डिफेंस जीन्स होंगे वो सारे सेम होंगे या वेरी करते होंगे नंबर्स में? वेरी करते होंगे, नहीं नंबर्स तो सेम हो, फर्क क्या है, एक स्पेसिफिक वैरायटी है तो उसका एलील डिफरेंट हो सकते हैं, एलील एक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, उसके पैरालॉग्स के जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नंबर ऑफ जीन सेम होंगे। सही होगा सर, थैंक यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा सर एक ये बात पूछनी है कि जो एलील्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होते हैं उनकी प्लेसमेंट भी डिफरेंट होती है, तो वो भी आपस में पैरालॉग्स ही होंगे? एग्जैक्टली 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 वो पैरालॉग्स ही होंगे सारे। नॉर्मली हमने अभी एक पेपर पब्लिश हुआ है हमारा इसी तरह का जीनोम वाइड एनालिसिस के ऊपर, उसके अंदर हम डॉग जीन है उस पर काम किया ऑलिव के ऊपर, तो उसके अंदर हमें ऑलिव के अंदर 51 डॉग जीन मिले हैं। कितने? वी आइडेंटिफाई 51 डॉग जीन, बल्कि वो पेपर अभी मैं आपको शायद मैंने डाउनलोड भी किया था आज मीन्स दैट पेपर। ये देखो ये हमारा पेपर अभी पब्लिश हुआ है, ये सारा काम हमने ये करना है। ये अभी आपके क्लास फेलो है माशाल्लाह, शायद आपको अंदाजा हो, मरियम ये सीनियर है, ये उनका हसीब यावलों का इसी का पेपर ये पब्लिश हुआ है हमारा माशाल्लाह जी। आज आगा अरमगान, नुमान अली, फिजा गिलानी, दीज आर द डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है, तो इनका सबका नाम इसमें है और ये हमारा पेपर पब्लिश हो गया है हॉर्टिकल्चर एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये जर्नल है, इट्स अ वेरी गुड जर्नल, ठीक है, इसके अंदर ये हमारा माशाल्लाह पेपर एक्सेप्ट हो गया है और यही काम आप लोगों ने करना है, हॉर्टिकल्चर एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी इंपैक्ट फैक्टर भी आप इसका देख लो कितना है, इसका जो इंपैक्ट फैक्टर इसका 1.8 है, चलिए ये अभी कहीं से मिल जाएगा, लेकिन इसका है 1.8 इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड जर्नल। और ये देखो ये बच्चों ने आपके क्लास वालों ने थी माशाल्लाह मेहनत करके ये पेपर हमारा ना, they are really great people, they did a great job, inshallah ab aap logon ke bhi aise hi paper aayenge, ye ek hai do aur unke aa rahe hain, teen to abhi aa jayenge baki ke upar kaam kar rahe hain, to wo bhi inshallah inke bahut jaldi koi papers aur bhi aayenge, I will aap logon ke bhi inshallah aise hi aayenge। yahan tak ab humne next question ye karna hai ki genes ka aapko pata hona chahiye, आज के लिए ये काफी है, कल हम ठीक है कल ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब आप लोगों ने ना
डिफरेंट जीन्स का ना तलाश करना है कि आपने कौन कौन से जीन है जिसके ऊपर जीनोवाइड वैक्सेस किसी क्रॉप के अंदर नहीं हुआ, ठीक है, वो आज आप लोगों ने तलाश करने के डिफरेंट जीन्स है, उसकी टाइप्स क्या, कौन से जीन्स है, फिर क्या आपने इंटरनेट पे लिखना है, फिर क्या गूगल स्कॉलर में जाके, गूगल स्कॉलर में आपने जाना है, वहां जाके आपने लिखना है, फर्ज किया आपको पता होना चाहिए सारा, पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन से जीन है, जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ एम्बो, एक जीन है इन कुकम्बर, क्या है ये, इसके ऊपर पेपर आ गया है, अगर तो आ गया हुआ ये देखो, ये नहीं आया हुआ, समवन कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है, नहीं आया हुआ एगो जीन के ऊपर पेपर, समवन कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है, मेरी बात की समझ आई, आर्गोनोड जीन के ऊपर एक बंदा इसके ऊपर काम करेगा, ये दिस इज नॉट आई थिंक सो इट प्रेजेंट दिस नहीं हुआ, ठीक हो गया, यस ग्रेट, ये है एक जीन है जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने देखा है कि इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो समवन कैन वर्क ऑन दैट, इसको सारा आपको देखना पड़ेगा, नहीं हुआ हुआ, ठीक है, एगोजीन, एगोजीन एक है जो कि प्लांट्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी डिफेंस रिलेटेड जीन है, ये भी क्या है, अब स्पेशली वायरस रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, तो इसके ऊपर समवन कैन वर्क ऑन दैट, आई विल, ठीक है, तो एक तो ये हो गया फर्ज किया, और दूसरा है जीन, आप देखते जाए जीन की, आप इंट्रोडक्शन देखें कि जीन के जीन नेम या जीन इन प्लांट, जीन या रेजिस्टेंट जीन इन प्लांट, क्योंकि हमने डिफेंस जीन के ऊपर ज्यादा काम करना है, डिफेंस जीन इन प्लांट्स, ये ढूंढते जाए, फॉर एग्जांपल डिफेंस जीन्स अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेसर्स, एवोल्यूशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स, जीन्स इन्वॉल्व इन प्लांट डिजीज, फॉर एग्जांपल ये हमें एक पेपर मिलता है, इसके अंदर से अगर हमें मिल जाते हैं तो आप एक एक जीन को ऐसे तलाश करते जाए, लिस्ट ऑफ 121 डिफेंस रिलेटेड जीन्स, लाओ जी ये लिस्ट इसके अंदर है, आप इस जीन को तलाश करते जाए, ये देखो ये है सिकार्डियन रिदम, लेट एलोंगेटेड हाइपोटीएम जीन, फिर है पैथोजेंसिस रिलेटेड जीन, PR2 PR3 क्लेरिटिकन, फर्ज किया आप ये क्लेरिटिकन ये जीन है 3, क्या ये इसके ऊपर काम हुआ है कुकम्बर के अंदर, आपने कोशिश करनी है कुकम्बर के अंदर, क्यूकम्बर, अच्छा जीनोम वाइड क्लेरिटिकलन जीन इन क्यूकम्बर, ये आज आपने ना खुद ही अपनी ग्रुपिंग करके मुझे शाम कल तक बताना, ठीक है, ये कैसे पता, आपने ना गूगल स्कॉलर के अंदर ये चीज देखनी है, कैल्शियम ये क्लेरिटिकन ये क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्लेरिटिकन होती क्या है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ये क्लेरिटिकन इज नॉन रिसेप्टिव कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर ERF मेडिएटेड इम्यूनिटी डिफेंस रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, अच्छा ये तो डिफेंस रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया है, अब क्या ये जो इसका वैसे इसका यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो है ना कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, अगर तो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, ये नॉर्मली की जो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन होती है ना, ये नॉर्मली उसके अंदर जब जब प्लांट को कोल्ड स्ट्रेस से बचाती है, किससे बचाती है, ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता जो ये इसका काम क्या होता है, पहले तो ये पढ़े ना ये है क्या, ऐसे कैलेटिन इज अ मल्टीफंक्शनल सॉल्युबल प्रोटीन दैट बाइंड्स कैल्शियम आयन, ठीक हो गया, ये वही है क्लेरिटिकन, ये वही है इसके ऊपर काम ऑलरेडी, मुझे लगता है जीनोवाइड वैक्सीन एक्सप्रेशन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फैमिली ने कुकम्बर, इसके ऊपर काम हो गया है, ये देखो जीनोवाइड वैक्सीन हो चुका है इसका, किसके अंदर,
कैम्बर के अंदर, ठीक है। उसे उसके बाद है ये वाली कॉन्स्टिट्यूटिव है, सीपीआर 5 है, इनहांस डिजीज सस्सेप्टिबिलिटी, ये मुनीर समझ आई है, ये एनपीआर 1 है, पाल 2, पाल 3, डिफेंस नो डेथ जीन, फिर आ गया इनहांस डिजीज रेजिस्टेंस 1, ईडीआर 1। इन सब जीन्स के ऊपर हमने ना जिनके ऊपर कोकम्बर के अंदर काम नहीं हुआ हुआ, ये मैं आपको भेज देता हूँ ये पेपर का लिंक। आपने ये जीन आपने क्लास करते जाना है जीनोम वाइड एनालिसिस करके, तो आपने मुझे फिर बताते जाना है कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो, और अपना ग्रुप भी आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लेना है कि आपने किस के ऊपर काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? नॉर्मली जितने भी अगर नहीं हुए तो हम बाहर है चेंज कर लेंगे, लेकिन उम्मीद अभी होंगे। लेकिन आप आज ये तलाश करें जिस जीन के बारे में अगर आपको मिलता है कि ये कुकम्बर के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो आपने फिर उस जीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी है कि जीन का फंक्शन क्या है, इसकी प्रोटीन कैसे बनती है, ये क्या क्या काम करता है, जैसा ये आगे इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। होपफुली आज अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ये भी आपको भेज देता हूं, तो इस तरह आज आपने पढ़ना है, कल फिर आप लोगों का रिसर्च का वर्क शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी कोई क्वेश्चन है तो ओके सर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अपने जहन में। सर हमारी टाइमिंग फिक्स कर दें सर, ताकि हम लोग तब तक रेडी रह करें। रात को 8 बजे कर ले। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर, फिक्स भी आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या फल गया अगर मैं बिजी हूँ जब बाहर आगे पीछे भी हम, अगर हम लोग बिजी हैं, लेकिन नॉर्मली कोशिश करेंगे रात के 8 बजे सर। बस ओके सर, सर उसके आसपास ही फिर ना, अगर थोड़े बहुत चेंज भी हो तो उसी टाइम के आसपास। ओके सर, बस कोई टाइम स्पेंड डिसाइड कर लें। क्या कह रहे हो? कोई टाइम स्पेंड बता देना कि जैसे 5 बजे के बाद, रात 12 से पहले या इस तरह कुछ। मैं मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप रात को 12 बजे भी करेंगे तो मैं तो आई एम रेडी, लेकिन यार वो नॉर्मली 8 बजे तक ठीक है, क्योंकि अब 12 बजे तक भी अगर बॉयज आए तो यू आर नो प्रॉब्लम। नहीं सर, सर 8 बजे ठीक है सर। 8 बजे ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो अगर आपको कोई शायद समझ नहीं ना आ रही तो यू कैन कॉल मी एज वेल, बिकॉज इट्स ए हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट, समटाइम बंदे को समझ नहीं आ रही होती, तो आई अलाउ यू टू फ्रीली कंटेक्ट मी, आपको समझ नहीं आ रही तो कॉल मी एनी टाइम, ठीक है, और मैसेज मी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं जी वीडियो आपका भी भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सर।